तो टीम इंडिया का सिलेक्शन हो गया है वर्ल्ड कप के लिए। थोड़ा सा हम क्रिकेट खेलने आए थे, लेकिन उसी बीच एक बड़ी खबर, बड़ी बात, बड़ी रिपोर्ट आ गई है भाई। 5 प्लेयर्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो परेशान कर सकते हैं भारत। वो क्यों परेशान कर सकते हैं वो इसी वीडियो में बताएंगे। 5 बड़े प्लेयर्स जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके नाम बताएंगे और कारण बताएंगे कि क्यों इनका सिलेक्शन नहीं होना विराट के गले की हड्डी बन सकता है। एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों। हमने और हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है, तो अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में, तो लाइक के बटन को ज़रूर दबाइए। और आप भी बताइए ना उन 5 प्लेयर्स के नाम जिनके बारे में आपको लगता है कि इनका सिलेक्शन होना चाहिए। वीडियो आगे बढ़ाते हैं। पहले प्लेयर दोस्तों जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और ज़रूर होना चाहिए था, वो है शिखर धवन। दोस्तों कल हम लोग भी जब बैठे थे और जब ये टीम आई थी, तो मतलब ऐसा कोई बंदा नहीं था जिसने ये बात नहीं की हो कि यार शिखर धवन की इस जगह टीम में क्यों नहीं है, और हो भी क्यों ना भाई। आपने इस टीम का सिलेक्शन किया है आईपीएल परफॉर्मेंस के आधार पर। अगर आप आईपीएल परफॉर्मेंस देखें, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इतने कंसिस्टेंट कोई रहा है जितना शिखर धवन हमें होते हुए दिखे। तो डेफिनेटली दोस्तों ये सवाल ज़रूर उठेगा, और कहीं ना कहीं अगर भारत परेशान होता है ओपनिंग में, बल्लेबाजी में, कहीं भी परेशान दिखता है हमें वर्ल्ड कप में, तो ये बात ज़रूर आएगी, ये बात ज़रूर उठेगी और उठनी चाहिए कि शिखर धवन का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। मेरे हिसाब से भाई, अगर आप इतनी तवज्जो दे रहे हैं, पिछले 8-10 साल से आपने उस खिलाड़ी को तैयार किया है, तो ऐसे मौकों पर बाहर नहीं करना चाहिए था। डेफिनेटली आपने केएल राहुल को ले लिया, डेफिनेटली आपके पास सूर्यकुमार है, आपके पास विराट कोहली है, पर क्या आप 7 बल्लेबाज नहीं ले सकते थे? कमेंट बॉक्स में इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरे खिलाड़ी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जरूर होना था, ये भी परेशान कर सकते हैं इनका सिलेक्शन ना होना, वो है यूजी पाजी भाई। युजवेंद्र चहल का सिलेक्शन नहीं हुआ है, और ये बात हर किसी को परेशान करेगी, क्योंकि विराट के राइट हैंड है। आरसीबी के फैंस तो लग चुके हैं सोशल मीडिया पर, और लगना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने कंसिस्टेंट प्रदर्शन दिया है। अप्स एंड डाउन्स आते हैं खिलाड़ी की जिंदगी में, लेकिन उन अप्स एंड डाउन्स को लेकर आप राहुल चहर को उनकी जगह पर नहीं ला सकते। मुंबई इंडियंस के 6 खिलाड़ी आपने टीम में डाले हुए हैं, और राहुल चहर और युजवेंद्र चहल को जब आप एक दूसरे के साइड में खड़े करते हैं, तो मैं एक्सपीरियंस के साथ युजवेंद्र चहल के साथ जाऊंगा, क्योंकि उनके पास वो आईसीसी टूर्नामेंट का अनुभव है। तो क्या ये एक ब्लंडर हुआ है? अपनी राय इस पर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या यूजी की जगह नहीं बन रही थी टीम में? सचमुच नहीं बन रही थी। आपने 5 स्पिनर्स लिए हैं टीम में, उनका प्रदर्शन भी आया था, 5 स्पिनर्स लेने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये सवाल तो ज़रूर खड़ा होगा। तीसरे खिलाड़ी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ज़रूर होना था, और मेरे हिसाब से ये भी काफ़ी ज़्यादा बज आउट हो रहे हैं, और हो भी क्यों ना, मोहम्मद सिराज है उनका नाम भाई। आरसीबी के ये प्लेयर है, और विराट कोहली के ये भी बाएं हाथ बन गए थे, लेफ्ट राइट हैंड दोनों बन गए थे। विराट कोहली ने बहुत भरोसा दिखाया है मोहम्मद सिराज के ऊपर। आपने 3 तेज गेंदबाज लिए थे, ये आपने संकेत दे दिए हैं कि यूएई में स्पिनर्स को मदद मिलेगी, लेकिन क्या सिराज वो रोल नहीं निभा सकते जो शायद मतलब भूवी निभा सकते हैं? तो मेरे को जो लग रहा है, और जिस तरह की रिपोर्ट्स भी यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, इफ़ यू थिंक अबाउट भुवनेश्वर कुमार, देन यू हैव टू थिंक अबाउट मोहम्मद सिराज टू। अगर आप भुवनेश्वर कुमार के बारे में सोच रहे हैं, देन वाई नॉट मोहम्मद सिराज? क्योंकि भाई प्रदर्शन देखा जाता है, करंट फॉर्म देखा जाता है, क्यों नहीं लिया मुझे नहीं पता। कुछ भी कारण हो सकते हैं, 10 कारण दे सकती है बीसीसीआई, लेकिन जब आपकी तेज़ गेंदबाजी नहीं चलेगी, एक इनफॉर्म खिलाड़ी की तरफ आप ज़रूर देखेंगे, और वो नाम मोहम्मद सिराज हो सकता है। हालांकि तेज़ गेंदबाज तो बहुत सारे नहीं लिए गए। 4th प्लेयर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ज़रूर होना था, इनके बारे में भी बहुत ज़्यादा बज आउट चल रही है। सिलेक्शन हुआ है, लेकिन ये एज अ रिजर्व प्लेयर जा रहा है। रिजर्व प्लेयर की भी कहानी बताऊंगा इसी वीडियो में आगे। अभी सुनते रहिए, देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कर रहिए। लेकिन 4th प्लेयर है भाई सरदार ठाकुर। ये मेन टीम का हिस्सा थे, क्योंकि ये हार्दिक पांड्या का रोल आपको दे सकते थे। जिस तरह के हमने इंग्लैंड की धरती पर इस खिलाड़ी को चलते हुए देखा है, ये खिलाड़ी हमें दे सकता था वो रोल जो शायद बहुत दिनों से भारतीय क्रिकेट में देने वाला पैदा नहीं हुआ। हार्दिक पांड्या हुए थे 5 साल पहले, उसके बाद से हमें दिखा नहीं ऐसा ऑलराउंडर। तो सरदार ठाकुर वो रोल निभा सकते थे, लेकिन आपने उस चीज़ को भी नकार दिया। हालांकि एज ए रिजर्व प्लेयर जा रहे हैं, तो इनकी एंट्री तभी होगी जब कोई प्लेयर कोविड पॉजिटिव होगा। तो ये भी एक तरह से हम बोल सकते हैं बुरा सपना बन सकते हैं। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो डेफिनेटली बुरी बात है, क्योंकि अगर फिर आपके हार्दिक पांड्या जो है, मुंबई इंडियंस तो बोल चुकी है कि 4 ओवर कराएंगे ये गेंदबाजी में, लेकिन क्या कराएंगे? क्या चोट से निकल कर आ रहे हैं? आपके पास पहले से ही ऐसा खिलाड़ी था जिसको आपने बाहर बैठा के ऐसे खिलाड़ी की एंट्री दिला दी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये कराएंगे। पिछले 1-1.5 साल से उन्होंने गेंदबाजी नहीं की हार्दिक पांड्या ने, ये बात ज़रूर सोचने वाली है। आगे बढ़ते हैं। 5वें और आखिरी प्लेयर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, इनके नाम पर भी बहुत ज़्यादा बहसें हुई है, वो है भाई पृथ्वी शॉ। शॉ का सिलेक्शन नहीं होना बहुत ज़्यादा चौंकाता है, और ये चौंकाता इसलिए है क्योंकि मतलब बहुत सारे लोग तो बोलेंगे यार शॉ की कैसे एंट्री होगी, लेकिन जब आप राहुल चहर को
ला सकते हैं तो फिर शॉ को क्यों नहीं लेके आए? जब आप ईशान किशन को ला सकते हैं तो शॉ की क्या गलती, क्योंकि पृथ्वी शॉ ने भी इस साल आईपीएल में इनका प्रदर्शन आ रहा था, आईपीएल में प्रदर्शन कर रहे थे, डोमेस्टिक क्रिकेट में कर रहे थे। हालांकि भारत ने सिर्फ 6 बल्लेबाज चुने हैं, धोनी वाली जब टीमें होती थी 7 बल्लेबाज चुने जाते थे। तो ये भी एक फ्लैट आउट पॉइंट रहा कि हमने धवन और पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ियों को बाहर होते हुए देखा और इन खिलाड़ियों की एंट्री होते हुए देखी। स्पेशली इस टीम के अंदर उन खिलाड़ियों को ज़्यादा तवज्जो दी गई है, आप ज़रूर देखिएगा, जो कि बॉलर हैं, स्पिनर्स हैं और बल्लेबाजी कर सकते हो। आपने प्रॉपर बॉलर बैट्समैन नहीं लिए जो कि पृथ्वी शॉ जैसे थे, और नीचे आपने बल्लेबाज जोड़े। कितना सफल ये फॉर्मूला होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये मेरे हिसाब से 5 प्लेयर्स थे, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।